जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेजबर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ गणित सब्जेक्ट का कार्य पत्रक नंबर 13, जो कि है 4 अगस्त 2021 का। इसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है, और मैं इसमें समझाऊंगा इस वीडियो में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में हम इसमें कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जब छोटी क्लास में थे, तो क्लास जैसे 8th या 7th में, तो हम लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन ये पढ़ते थे कि जिस नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, और वहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये चीज़ हम लोग जानते थे क्लास ये 7th और 8th के लिए। ये डेफिनेशन अभी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको ये जो चीज़ें फ्रैक्शन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, भिन्न में हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ वही नंबर डेसिमल फॉर्म में आ जाए, दशमलव फॉर्म में आ जाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमको परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे एडवांस है हमें फ्रैक्शन से, हमें थोड़ा सा आगे चलना है। तो देखिए, तो हमारे पास जो नंबर बनते हैं हम लोग परिमेय संख्या, और जो दूसरा जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। दो तरह के नंबर हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा परिमेय संख्या और एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये दो संख्याएँ होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं ज़रा क्या चीज़ है। अब मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। जैसे कि सबसे पहले इसमें देखें, 7/8 का दशमलव परिसर, 7/8 को हम लोग लिख सकते हैं 0.875। तो ये कौन सी संख्या है। उसी तरह 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.6666, ऐसे कुछ संख्याएं हैं। और वैसे ही 1/7 को भी हम लिख सकते हैं 0.1428574, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे कुछ संख्याएं। तो ये कुछ अलग अलग तरह की कुछ संख्याएं हैं यहाँ पर। तो इन संख्याओं में कुछ अंतर है। इन संख्याओं में क्या अंतर है कि जैसे सबसे पहला है 7/8 को जो हमने डिवाइड किया था, 0.875 हमारे पास नंबर बन के आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 के बाद में कोई संख्या हमारे पास नहीं है, यहाँ पर इसका फुल स्टॉप हो गया। अंक यहाँ पर डिवाइड होकर आंसर जो आता है वो बंद हो चुका है, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर अपने को 0 मिल चुका है। उसी तरह दूसरी संख्या को देखेंगे, अब 2/3 है तो इसका आंसर है 0.666 डैश डैश डैश, अपने पास आंसर आया। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो सेम नंबर ही ऊपर डिवाइड में जो नंबर आता है वो बार बार आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया, शेषफल हमारा अभी भी इसमें 0 नहीं आ रहा। इसी तरह का कुछ हाल 1/7 में जो कि 3rd नंबर है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर रहे तो आंसर हमारे पास ऊपर वाले में रिपीटेड नंबर आ रहा था, बार बार एक ही तरह के नंबर आ रहे थे, लेकिन नीचे वाले में हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, अलग अलग तरह क्या है, लेकिन यहाँ भी हमारे पास रिमाइंडर क्या है, शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आ रखा। तो इन तीनों संख्याओं को कुछ अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हमें देखना है इसके। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है जैसे कि एक होता है शांत, एक होता है शांत संख्या। ठीक है, शांत संख्या क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो शांत संख्या वो संख्या होता है जिसको हमें डिवाइड करने पर आंसर हमारा कहीं जाकर रुक जाए। जैसे कि अपने पास 7/8 का हमने ऊपर देखा आंसर, तो 0.875 आ रहा है। इसको जब डिवाइड करूँ तो 5 के बाद अब इसके पास आंसर नहीं बचा हुआ, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया डिवाइड करने के बाद, इसका आंसर रिमाइंडर अपने पास 0 आ चुका है, शेषफल इसका 0 आ चुका है, इस वजह से शांत संख्या ये कहलाएगा। लेकिन अगर ये कहीं पर नहीं रुकता है तो क्या होगा। अगर ये कहीं नहीं रुकता है तो देखिए इसको क्या कहेंगे। देखिए, जैसे कि अपने को एक और एग्जांपल देखा 2/3, तो इसका आंसर है 0.6666, ऐसे कुछ भी डैश 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 चलता जाए। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ना हम लोग ये भी ले सकते हैं कि 0.6 ही रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका बार लगा दीजिए। तो उसको इतना बड़ा ना लिख करके मैं सिर्फ इतना सा भी लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को जो कहा जाता है उसको कहते हैं हम लोग अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये चीज़ इसको हिंदी में कहा जाता। तो जो शांत संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो जो नंबर कहीं जाके बंद हो जाए उसको कहेंगे हम शांत संख्या, और जो बंद नहीं हो सकता है उसको हम कहेंगे अनवासनी अनावर्ती। ठीक है, तो यही चीज़ था इसके अंदर। इसके आगे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको समझते हैं ज़रा।
कि निम्नलिखित में निम्नलिखित के दशमलव प्रसार ज्ञात करें और उनके शांत और अनुवासनी अनुवर्ती दशमलव में वर्गीकृत करें। तो सबसे पहला हमें ये इसमें मतलब ये बताने की कोशिश करें कि कौन सा शांत है, कौन सा अनुवासनी अनुवर्ती है, वो हमें बस बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला है 5/8 डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमारे पास सामने आ जाएगा। तो 5 को अंदर लिखेंगे, 8 को हम बाहर लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, ये 50 बन गया। इसके बाद ये 6 से जाएगा, 48 बन जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 से जाएगा, फिर पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट 0 आ जाएगा मींस, और फिर जाएगा 2 पर तो ये 16 आ जाएगा, और फिर बन जाएगा 4, फिर पॉइंट लगाएंगे हम लोग 5 पे। तो क्योंकि इसका आंसर 0 आ चुका है, 45 पे लगाएंगे तो 40 आ जाएगा और इसका आंसर 0 आ गया। तो देखिए, क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक चुका है, तो क्या कहलाएंगे इसको? इसको हम कहेंगे शांत संख्या। इसको हम लोग कहेंगे क्या? शांत संख्या। ये चीज़ इसको पहला हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ऐसा बन जाएगा। दूसरा करना है 7/3 हमें पास 7/3 दूसरा नंबर देख लेते हैं जरा इसको भी। तो 7 अंदर और 3 हम लोग को बाहर लिखना है, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 पे चला जाएगा पूरा नंबर, 9 पे आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बार बार अपने पास रिमाइंडर जो है 1 आता ही रहेगा, इसमें कोई इसमें मतलब ये बंद नहीं होने वाला, तो 3 डैश आता रहेंगे सारे संख्या। तो क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? 3 बार बार हमारे पास आ रहा है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे हमने? अनवासनी अनावर्ती, ठीक है, अनवासनी अनावर्ती। तो ये दूसरा संख्या था अपने पास। इसी तरह जो तीसरा संख्या अपने पास, तीसरा संख्या 7/2, ये तो अपने को ऐसे ही समझ में आ रहा है 7/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 का आंसर देगा हमको ये, ठीक है। तो देख लेते हैं, वो बता भी देते हैं इसको। तो 2 से करेंगे, 3 पे जाएगा, 6 जला जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, 5 पर ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर अपने पास 0 है, रिमाइंडर यहाँ 0, इस वजह से क्या बन जाएगा जी? शांत संख्या बन, कहीं ना कहीं जाके रुक गया ही है। इसी तरह आप लिखते हैं अपने पास चौथा नंबर दे रखा है 17/7, इसको देखते हैं जरा। देखिए तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर बनेगा अपने को 17/7, तो इसको करेंगे 2 से 14 चला जाएगा, फिर ये जाएगा अपने पास 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बन गया, फिर जाएगा 4 पर जाना था इसको, 28 चला जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 0 बन जाएगा, फिर 7 × 2 = 14, फिर ये 6 बच जाएगा, 0 बन गया, 7 × 7 = 56, 7 × 9 = 63, 7 × 8 = 56 जा रहा है, फिर 4 बच जाएगा, 4 बच गया तो 0 आ जाएगा नीचे, फिर दोबारा से 7 × 5 = 35 जाएगा, फिर ये थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन बनेगा ऐसे ही। तो हमें यही चीज़ देखना पड़ेगा इसको अंदर कि कोई नंबर आगे जाके रिपीट तो नहीं हो रहा, जैसे कि ये 4 8 5 आ रहा है, तो ये दोबारा से 4 2 8 5 दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं। इसी तरह से हमें नंबर कुछ देखने पड़ेंगे, अगर कहीं पर नहीं हो पा रहा है मतलब रिपीट हो रहे हैं तो वो सिंपल अनुवर्ती बन जाएगा, नहीं तो शांत संख्या अपने को कहलाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बस आपको डिवाइड करके देखने पड़ेंगे, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब है कि कुछ अनुवासनी अनुवर्ती कुछ दशमलव संख्याएं हैं, उनको हम लोग परिमेय संख्या में कैसे लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि इसमें मुझे दिखा रखा है 0.7 बार को दिखा रखा है, इसको मैं आपको बहुत सिंपल से लैंग्वेज में आपको करके दिखाता हूँ अभी किस तरीके से करना होता है। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि 0.7 बार है, ये क्या है? बार का मतलब हमने क्या सीखा अभी, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, कि 7 हमारे पास जो भी डिवाइड किया होगा 7 बार बार आ रहा होगा, जैसे हमने ऊपर देखा था अभी, ठीक है। तो इसको मुझे परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, भिन्न के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस तरीके से लिखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन लेकिन जरूरी ही आता है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। तो करना कैसे है उसको समझ लीजिए, बहुत आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा आपको। तो ऐसे करना है कि माना, इसको हम लोग मान लेंगे कि माना एक्स इज इक्वल टू 0.7, क्योंकि बार बार रिपीट हो सकता है, मैं इसको 2 से 3 बार इसको लिख लूँगा एक बार, ये हमने मान लिया सबसे पहला पार्ट, हमने इसको मान लिया।
इसी तरह अब क्योंकि पॉइंट पॉइंट कितने के बाद लगा है, एक एक के बाद, मतलब एक ही नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैं इसको 10 से गुणा कर दूंगा। एक एक नंबर रिपीट हो रहा है इस वजह से 10 से गुणा कर देंगे। अगर दो से हो रहा होता तो उसको मैं 100 से करता, तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो उसको मैं 1000 से करता, ठीक है। जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, 10 से गुणा करना है, गुणा दोनों तरफ। दोनों तरफ हम जब गुणा कर देंगे तो x को करने से कितना आ गया, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.777, ये हो गया। तो अपने पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.77 अपने पास आंसर आएगा, ये दूसरा संख्या, ठीक है। तो पहला इक्वेशन ऊपर से आ गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, दोनों को बस हमें क्या करना है, माइनस करवा देना, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो बन जाएगा अपने पास 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7.777 माइनस, इसमें और लिख देते थोड़ा सा, और 0.777 डैश डैश डैश। तो 10x में से x गया तो 9x बच गया, इधर से बन जाएगा अपने पास 7.0 बन गया, ठीक है। तो 7.0 को 7 लिख देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, 7/9। देखिए x को हमने वही जो क्वेश्चन था अपने पास वही हमने माना था, यहाँ भी वही 0.777 हमने माना था 7 बार, और उसी x की वैल्यू आ चुकी है 7/9। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को लेट किया था, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दोबारा से। तो हमारे पास वो दशमलव के प्रकार से निकल करके इस भिन्न की फॉर्म में वो आ चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, इसी तरह हमें और भी कुछ दे रखा है, 0.5 बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का दे रखा है, 0.47 बार दे रखा है, 0.47 और सिर्फ 7 पे बार दे रखा है, इसको हम समझते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हमें 0.5 बार को समझते हैं वो कैसे होगा, हमें अभी हमने जैसे जैसे इसको किया वैसे ही उसको करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 0.5 बार, तो यहाँ भी करना है, माना x इज इक्वल टू 0.555 डैश डैश डैश, ठीक है। ये हमने सबसे पहला इक्वेशन मान लेंगे। फिर हमको क्या करना है, क्योंकि एक पे बार लगा है तो इसलिए 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करने पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.555 डैश डैश, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, 10x इज इक्वल टू 5.555, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं अभी तक। इसके बाद क्या करते हैं, जैसा हमने सीखा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा देंगे, ठीक है। सेकंड में से हमने फर्स्ट को जब माइनस करेंगे तो 10x माइनस एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 5.555 माइनस डैश डैश माइनस 0.555। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा अपने पास 9x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 5/9। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन बन गया। इस तरह बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.47 बार, ये भी हमें उसी तरह करना है। हमने मान लिया कि x की वैल्यू कितनी हो गई 0.47, और बार दोनों पे लगा है, मतलब बार बार नंबर यही दोनों रिपीट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन हम इसको मानेंगे। इसके बाद नंबर बार मतलब कि दो पे लगा, दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, हमको इसका मतलब ये हुआ कि इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा। तो 100 से गुणा करने पर 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.474747 डैश डैश, तो ये हो जाएगा अपने पास 100x इज इक्वल टू 47.4747 डैश। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन बन चुका है। सेकंड में से हम माइनस कर देंगे पहले को, तो बन जाएगा अपने पास क्या, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.4747 डैश 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 माइनस 0.474747, ठीक है। इस तरीके से अब माइनस कर देंगे तो 100 में से 1 जाएगा, तो 99x इज इक्वल टू ये अपने पास बन जाएगा कितना, 47 ही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गया अपने पास 47/99। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, हमने दूसरा क्वेश्चन बना के देख लिया। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
देखिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन अपने को थोड़ा सा बढ़िया दे रखा है, 0.47 बार डेसिमल जो है एक नंबर के बाद में और उसके बाद में वो बार लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा अलग तरह से करना पड़ेगा। करना स्टार्टिंग वैसे होगी, माना x इज इक्वल टू 0.47, बार सिर्फ एक पे लगा, सेवन ही बार पे लगा है, तो हमको सेवन को बार बार हमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम पहला इक्वेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमें जो पहला इक्वेशन मानना है वो पॉइंट के जस्ट बाद में ही वो बार लगा हुआ होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद में ही बार हमारे पास आना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो पिछले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, पॉइंट के जस्ट बाहर ही वो बार स्टार्ट हो जाता है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। तो ये लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पॉइंट के बाद एक पहले पे नंबर है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, उसके बाद एक बार वाला नंबर दे रखा है, तो इसको हम पहला इक्वेशन नहीं मानेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को उठा के पहले हमें आगे खिसकाना पड़ेगा ताकि वो पॉइंट के बाद में हमारा बार लग जाए। तो कैसे होगा, क्योंकि एक नंबर आके है इस वजह से हमें यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा कर देते हैं तो अपने पास बन जाएगा ये 10x इज इक्वल टू 4 पॉइंट, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ डैश 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 और पहला इक्वेशन हम इसको मान लें। अब इसको हम लोग पहला क्वेश्चन मान लेंगे। अब बार कितने पे लगा है, एक पे लगा है, मतलब दोबारा से 10 से करूँगा, तो 10 से करूँ 10x पहले से ही है, इसको लिख देते हैं वैसे दोबारा से 10 से गुणा, ठीक है। 10 से गुणा करने पर 10x पहले से ही है, मल्टीप्लाई में 10 लिख दूंगा, बराबर 4.777 डैश मल्टीप्लाई दोबारा से 10, तो बन जाएगा अपने पास कितना, 100x इज इक्वल टू 47.777 डैश, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा देंगे, यहाँ भी सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में हमें दे रखा 100x माइनस फर्स्ट में हमें दे रखा 10x इज इक्वल टू, वैल्यू बस पुट करनी है, हमें आंसर अपने हाथ में आ जाएगा, डैश माइनस 4.777। सॉल्व कर देंगे तो 90x इज इक्वल टू 43 आ रहा है, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 43 अपॉन 90, यहाँ से हमारे पास पूरा आंसर यहाँ से बन करके आ जाएगा। तो ये था पूरा अपने पास जो इसके क्वेश्चंस थे उन वो थे हमारे पास ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चीज़, कोई मुश्किल काम नहीं है, पॉइंट को हमें एक बस गौर करना है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके अलग तरह के नंबर। तो आगे लिखा कि बच्चों अब निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को ध्यान से देखें। इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो नंबर क्या हो रहे हैं, देखिए आगे डॉट 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 तो लगा, जैसे पहला नंबर है कि डॉट डॉट तो लगे हुए हैं, लेकिन हमने पिछले संख्या में क्या देखे, नंबर रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पर देखेंगे तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले लिखा है कि पहले में ही देख रहे हैं, पहले में लिखा है कि 10, फिर 110 हो गया, फिर 111 हो गया, तो इसको हम नंबर रिपीट नहीं कह सकते, मतलब सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है एक चीज़ का, सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि रिपीट नहीं हो और साथ में ख़त्म भी नहीं हो, ठीक है, जो कि सांतिम संख्या भी नहीं बनेगी और रिपीट भी नहीं होगी, तो दोनों चीज़ में नहीं आ रही, तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यही चीज़ था जो कि इम्पोर्टेंट था, अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा था क्लास 8 तक, लेकिन क्लास 9 में ये चीज़ इम्पोर्टेंट आएगी। इसको हम इंग्लिश में अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी अपने पास क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। और देख लेते हैं सेकंड नंबर है कि 1.41 है, फिर 42 है, 13, इसमें ऐसा नंबर सो कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, जैसे हम पिछले में देखा था, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, इस वजह से हम इसको अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा इसमें ट्रिक था कि जो नंबर भी रिपीट भी नहीं हो और ख़त्म भी नहीं हो उनको ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये पूरा हमारे पास वर्कशीट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।